नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर 10 लोगों की हत्या के मामले में सरकार एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बनी एक जांच कमेटी बुधवार को सोनभद्र के उमा गांव पहुंची। इस कमेटी की अगुवाई अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार कर रहे हैं। सोनभद्र मामले में काफी राजनीतिक तूल पकड़ा था, जिसके बाद राज्य सरकार एक्शन में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र पहुंच पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मामले में जांच का आश्वासन दिया था। इसी के बाद अपर मुख्य सचिव की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई। ये टीम इस पूरे विवाद के बारे में छानबीन करेगी। गौरतलब है कि इस मामले में अभी तक 34 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें 16 नामजद हैं। ये घटना एक जमीनी विवाद के कारण जून के आखिरी हफ्ते में घटी थी, जिसमें दो गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। आपको बता दें कि यह जमीन पहले आदर्श को ऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व आईएएस की पत्नी आशा मिश्रा और वनीता शर्मा ने खरीदी थी और बाद में इसे ग्राम प्रधान यज्ञदत्त को भेज दिया था। बताया जाता है कि वर्ष 1955 में इस जमीन को, जो कि ग्राम समाज की थी, गलत तरीके से आदर्श को ऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर कर दी गई थी। आज जब इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच बिठा दिया और सारी पत्रावली या राजस्व परिषद लखनऊ तलब की गई है, इस बीच यह जानकारी में आया है कि ग्राम समाज की जमीन के आदर्श को ऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर किए जाने की पत्रावली गायब हो चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि सोनभद्र जिला बनने से पहले 1955 में यह मिर्जापुर जिले का भाग था। यह पत्रावली मिर्जापुर से जिले के रिकॉर्ड रूम में नहीं आई और जानकारी करने पर यह पता चला कि यह पत्रावली मिर्जापुर के रिकॉर्ड रूम में भी नहीं है। सोनभद्र घटना के बाद योगी सरकार पर विपक्ष ने काफी सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोनभद्र में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गई थी, हालांकि उन्हें बीच में रोक लिया गया था, जिसके खिलाफ उन्हें धरना प्रदर्शन किया था। बाद में पुलिस ने उन्हें चुनार किले में रखा, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की थी। प्रियंका गांधी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोनभद्र का दौरा किया था। तो 1955 में, हाँ, तो ये तो सर पत्रावली, इसकी क्या स्थिति है? बताया गया कि RTI में जब एक वकील ने जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि पत्रावली उपलब्ध नहीं है, क्या सच्चाई है? आप अवगत है कि इस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया, उच्च स्तरीय समिति का, जो अपर मुख्य सचिव राजस्व के अध्यक्षता में है। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे अपने रिकॉर्ड रूम में सभी दस्तावेज निकलवाए हैं जो इस गांव से संबंधित है या इस ग्राम पंचायत से संबंधित है और जो सोसाइटी से संबंधित है। तो इसमें हम लोगों को अभी तक 1955 की जो पत्रावली है, जिसके क्रम में यह जमीन सोसाइटी को हस्तांतरण की गई थी, वो पत्रावली नहीं मिल पाई है। फिर इसका परीक्षण कराया गया तो ये पता चला कि मिर्ज़ापुर, ये सोनभद्र जनपद पहले मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आता था, तो मिर्ज़ापुर से जो पत्रावलियाँ यहाँ उपलब्ध कराई गई थी उनमें उस पत्रावली वो उपलब्ध नहीं थी। तो फिर इसके बाद मिर्ज़ापुर रिकॉर्ड रूम में भी चेक कराया गया तो वहाँ पे शायद ये तथ्य संज्ञान में आया है कि ये पत्रावली का रीडिंग किया जा चुका है वहाँ पे। सर, ये लगता है कि इसे पत्रावली उपलब्ध नहीं, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है या इसको गायब कर दिया गया? इसको परीक्षण इसको करवाया जा रहा है, उच्च स्तरीय समिति से इसकी जांच भी चल रही है। जो अभी तक जो सूचना है वो ये है कि ये पत्रावली यहाँ पे नहीं है, सिर्फ जो उसके आदेश का जो दर्ज होता है, अमल दरामद जो दर्ज होता है, बस उतना ही पोर्शन अभी तक मिल पाया है। अब क्या करेंगे सर, जब पत्रावली है, उसकी जांच की जा रही है। उसके अलावा भी तरीका है कि वो आदेश देखना कि वो आदेश जो है वो अधिकार क्षेत्र में किया गया था या नहीं किया गया था, तो ये उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।